डियर स्टूडेंट, कल हम सी प्लस प्लस के अंदर ऑपरेटर वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और हमने ऑपरेटर को दो तरीके से कैटेगराइज किया था। हमने देखा था कि नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के बेस पर हम ऑपरेटर को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। द ऑपरेटर विच आर अप्लाइड ऑन वन ऑपरेंड इज कॉल्ड यूनरी, टू ऑपरेंड्स इज कॉल्ड बाइनरी एंड थ्री ऑपरेंड्स इज कॉल्ड टर्नरी। तो सिंपली कल हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि भी ऐसा ऑपरेटर जो वन ऑपरेंड पर अप्लाई होता है उसे यूनरी ऑपरेटर कहेंगे, ऐसा ऑपरेटर जो टू ऑपरेंड्स पर अप्लाई होता है उसे बाइनरी ऑपरेटर कहेंगे, और ऐसा ऑपरेटर जो थ्री ऑपरेंड्स पर अप्लाई होता है उसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑपरेंड्स हम डिस्कस कर चुके। फिर हमने जब ऑपरेटर को क्लासिफाई किया तो हमने ऑपरेटर को एट कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया, और हमने सबसे पहला ऑपरेटर जो स्टार्ट ऑपरेटर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि द ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन और अर्थमेटिक ऑपरेशंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। हमने देखा था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस डिवीजन, दीज फाइव टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। हमने देखा था कि किस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और मॉडुलस डिवीजन का हम यूज कर रहे थे। आज हम थोड़ा सा उसके बारे में और डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि ये जो मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर है, इस मॉडुलस डिवीजन जिसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं इसको कि आप कौन सा ऑपरेटर डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहला ऑपरेटर जो था वो था अर्थमेटिक ऑपरेटर। ऑन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, मतलब ऐसी वैल्यू डेसिमल पॉइंट होता है, ऐसी वैल्यू जिसमें दशमलव बिंदु होता है उन अप्लाई। तो पहला रूल क्या है इसका, वी नॉट दिस ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। फ्लोट वैल्यूज पर हम इस ऑपरेटर को अप्लाई नहीं कर सकते। इसको समझने के लिए मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे यहां पर, मैं डायरेक्ट आपको इसी में रन करवाकर दिखाता हूं। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया, जैसे
सपोज करो मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल, या मैंने जैसे सपोज करो अभी मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया x और एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिया y, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया फ्लोट इंटीजर x एंड फ्लोट y, x इज ए टाइप ऑफ इंटीजर एंड y इज द टाइप ऑफ फ्लोट, ये हमने दो वेरिएबल ले लिए। अब मैंने यहां पर x इज इक्वल टू लिखा 5 डिवाइड बाई, या सॉरी 5 मॉडुलस डिवीजन 2, या मैं एक ही वेरिएबल लेता हूं, इससे इसे समझने के लिए काफी होगा। मैंने यहां पर लिखा 5 मॉडुलस डिवीजन 2। आप मुझे ये बताइए कि जब मैं ये लिखूंगा और यहां पर मैं x की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूं तो क्या प्रिंट होगा, x के अंदर क्या जाएगा, कौन बताएगा आप में से? सर वन आएगा। x के अंदर क्या आएगा? वन आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे, 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर हमेशा रिमाइंडर देता है आपको। ये बात क्लियर है? अब मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूं, एक वेरिएबल लिया वाई, ये क्लियर है। अब मैंने यहां पर क्या लिख दिया, 5.0 मॉडुलस डिवीजन 2, या मतलब ये जो मैंने इतना लिया है, अगर मैं इतने को ही रन कराऊं, मैं इसको सेव कर देता हूं कंट्रोल एस, यहां पर मैंने इसको सेव कर दिया मॉडुलस, कंपाइल कर देते हैं इसको। अब मैं इसमें क्या करता हूं, 5.0 सिर्फ मैंने क्या लिया, 5.0, हालांकि 5.0 क्या होता है, 5 ही होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग में 5.0 क्या बन गई, एक फ्लोट वैल्यू बन गई, क्या बन गई, एक फ्लोट वैल्यू बन गई। अब देख लो इसको, वापस से इसको सेव किया, कंपाइल 5.0, आप क्या देख पा रहे हो, आप यहां पर देख पा रहे हो कि इस लाइन में क्या आ गई, एरर आ गई, इस लाइन में क्या आ गई, एरर आ गई। और ये एरर क्यों आ गई, क्योंकि आपने मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर के अंदर, जब मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर आपने जिन दो ऑपरेंड पर अप्लाई कर रखा है, ऊपर वाला तो न्यूमरेटर है और दूसरा डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर को आपने फ्लोट ले रखा है, आपने क्या ले रखा है इसको, हालांकि 5.05 होता है लेकिन प्रोग्रामिंग में 5.0 एक फ्लोट वैल्यू हो गई। अब मैंने इसको हटा दिया, अब मैंने डिनोमिनेटर लिया, ये लो इसको जीरो कर दिया, कंट्रोल एस, अब चेक करते हैं, कंपाइल करते हैं, अभी भी क्या आ रही है, एरर आ रही है, अभी भी क्या आ रही है, एरर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, वी कैन नॉट अप्लाइड ऑन फ्लोट वैल्यूज, क्लियर है, यस और नो? यस सर, यस सर। ध्यान रखना है कि मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर को कभी भी फ्लोट वैल्यू पर हम अप्लाई नहीं कर सकते, पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात ये हो गई कि अगर मान लो मैं यहां पर न्यूमरेटर तो ले लेता हूं स्मॉल और डिनोमिनेटर ले लेता हूं कैपिटल, या लार्ज वैल्यू ले ली मैंने, न्यूमरेटर तो है 2 और डिनोमिनेटर है 5, तो आप मुझे बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो न्यूमरेटर मतलब अंश है और डिनोमिनेटर मतलब हर है,
मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिया, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आउटपुट क्या? क्योंकि ये मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर जो परसेंटेज सिंबल है ये आपको रिमाइंडर देता है, तो आप हमेशा ध्यान रखो अगर न्यूमरेटर स्मॉल है और डिनोमिनेटर लार्ज है तो हमेशा रिजल्ट जो है वो न्यूमरेटर आएगा। अगर आपका न्यूमरेटर क्या है, स्मॉल है, और डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, लार्ज दिया हुआ है, जैसे न्यूमरेटर इसमें टू है और डिनोमिनेटर फाइव है, तो इसमें स्मॉल कौन सा हुआ, न्यूमरेटर हुआ ना टू, तब रिजल्ट हमेशा जो है वो न्यूमरेटर वाला आएगा। इसीलिए अब मुझे बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा? सर 0.1। नहीं, 0.1 नहीं, अभी दोबारा समझो कि देखो इसमें न्यूमरेटर क्या है, टू है ना। मैंने आपको बताया कि अगर ऊपर स्मॉल वैल्यू है और नीचे लार्ज वैल्यू है, ऊपर स्मॉल वैल्यू है और नीचे लार्ज वैल्यू है, तो रिजल्ट और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर लगा है, तो रिजल्ट हमेशा स्मॉल वैल्यू आएगा। अगर न्यूमरेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर लार्ज है, तो रिजल्ट हमेशा न्यूमरेटर वाला मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर टू और फाइव में स्मॉल कौन सा है? अगर न्यूमरेटर स्मॉल है तो टू आप मुझे बताओ कि न्यूमरेटर स्मॉल है या नहीं है? यस सर। न्यूमरेटर क्या है, टू है, डिनोमिनेटर क्या है, फाइव है, दोनों में से स्मॉल कौन है? अगर न्यूमरेटर स्मॉल है तो हमेशा न्यूमरेटर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स के अंदर जो है वो न्यूमरेटर वाली वैल्यू चली जाएगी टू, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर क्या है, स्मॉल है, तो अगर न्यूमरेटर स्मॉल होगा तो रिजल्ट हमेशा न्यूमरेटर वाला ही आएगा। रिमाइंडर में कौन आएगा, न्यूमरेटर आएगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, टू प्रयोग इसको कंपाइल करें। क्या आ गया? क्या आ रहा है, टू आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखो मैंने आपको मॉडुलस डिवीजन के ऑपरेटर में दो बातें बताई है। पहली बात क्या बताई कि फ्लोट वैल्यू पर मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर काम नहीं करेगा। किसमें काम नहीं करेगा? सी प्लस प्लस में काम नहीं करेगा, सी लैंग्वेज के अंदर काम नहीं करेगा, सी प्लस प्लस में काम नहीं करेगा। फ्लोट वैल्यू पर सी और सी प्लस प्लस दोनों लैंग्वेज के अंदर ही मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर वर्क नहीं करेगा। दूसरी बात मैं बताई कि अगर आप मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई करते हो और न्यूमरेटर वाली वैल्यू स्मॉल दी हुई है तो रिजल्ट हमेशा न्यूमरेटर वाली वैल्यू आएगी। रिमाइंडर के तौर पर क्या आएगा, न्यूमरेटर वाली वैल्यू आएगी। तीसरी बात मैंने यह बताई कि मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर क्या काम आता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के काम में आता है। इतनी बात है या नहीं? यस। सर कौन सी बात? अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर की हम बात कर रहे थे। अब जो एक ऑपरेटर और बचा है इसमें, प्लस की बात कर ली, माइनस की बात कर ली, मल्टीप्लाई की बात कर ली, मॉडुलस डिवीजन की बात कर ली, अब हम बात करेंगे किसकी, डिवाइड की, डिवीजन ऑपरेटर। अब आप क्या ये चल रहा होगा कि सर डिवीजन की क्या बात करनी है, डिवीजन तो है ना, डिवीजन की क्या बात करनी है, डिवाइड करने का काम करता है। नहीं, हमें डिवीजन ऑपरेटर का भी डिस्कशन करना पड़ेगा। सिंबल क्या होता है, डिवीजन के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर, कीबोर्ड के अंदर ये सिंबल होता है डिवीजन, जो मैंने पैरेंथेसिस के अंदर दे रखा है। इसके क्या रूल है वो हमें देखने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल, अगर न्यूमरेटर भी इंटीजर और डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, अगर अंश भी इंटीजर है और हर भी इंटीजर है, तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर मिलेगा, ध्यान रखना। अगर न्यूमरेटर इंटीजर है, डिनोमिनेटर इंटीजर है, तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर मिलेगा। अगर न्यूमरेटर इंटीजर है, डिनोमिनेटर इंटीजर है,
तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर मिलेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन काम नहीं करेगी यहां पर। बात ज्यादा समझ में नहीं आई होगी, मैं इसको तुरंत आपके एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि यहां पर ले लिया मैंने 5 और यहां पर ले लिया 2, यहां पर ले लिया मैंने 5 और यहां पर ले लिया 2, या मैं वेरिएबल लेता ही नहीं हूं, मैं डायरेक्ट ही प्रिंट कर देता हूं ताकि वो कंफ्यूजन ना रहे। यहां पर ले लिया मैंने 5 और यहां पर ले लिया 2, 5 डिवाइड बाई 2। अब आपके दिमाग में अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन चलेगी तो आप कहोगे सर 5 को 2 से डिवाइड करने पर 2.5 आता है, ये बात सही है या नहीं है, यस और नो? यस सर। 5 को 2 से डिवाइड करने पर, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, 2.5 आएगा। लेकिन अभी मैंने ऊपर रूल क्या लिखा है इंटीजर का, कि अगर ऊपर भी इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, ये डिवाइड का रूल है। इसका मतलब ये हो गया अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास 2.5 आता है, लेकिन रूल ये कहता है कि सिर्फ इंटीजर ही यूज होगा, तो 2.5 में इंटीजर क्या है बताओ? 2.5 में इंटीजर क्या है? 2 है, तो इसलिए रिजल्ट 2 आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, सेव कर दिया, कंपाइल करो और रन कराओ। भाई 5.5 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, रिजल्ट इंटीजर मिलेगा, लेकिन मैथमेटिकली 2.5 आता है तो इसका इंटीजर पार्ट कौन सा है? 2। तो रिजल्ट क्या प्रिंट होगा? 2 प्रिंट होगा। हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया, अब इसको जो है वो हम एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। क्या मिला रिजल्ट? 2 मिल रहा है, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। अब इसको मैं और डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहां पर इसको और चेक करने के लिए मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया फ्लोट टाइप का और ये लो। अब हमें और कंफ्यूजन हो सकता है, अब हमें और कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर इस बार तो x किस टाइप का वेरिएबल है? फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। x किस टाइप का वेरिएबल है? फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, और हमें यह लग रहा है कि 5 को 2 से डिवाइड करने पर रिजल्ट 2.5 आता है, तो अब x जो है फ्लोट टाइप का, तो ये 2.5 स्टोर कर लेगा, लेकिन 2.5 तो तब स्टोर करेगा ना जब x में 2.5 जाएगा, क्योंकि यहां पर रूल यहीं पर काम करेगा कि अगर ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर तो रिजल्ट क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा, मतलब 2.5 का सिर्फ क्या जाएगा? 2 जाएगा यहां से, और वो 2 किस में स्टोर होगा? x में स्टोर होगा। अब बात ये है कि x किस टाइप का वेरिएबल है? फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। मैं इसको सेव करता हूं, कंपाइल करवाता हूं। बात ये है कि x किस टाइप का वेरिएबल है? फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, और आपको ये लग रहा था कि ये 2.5 देता है तो इस बार तो x के अंदर 2.5 स्टोर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि रूल रूल होता है, 5 को 2 से डिवाइड करने पर 2 ही मिलेगा, और वो x में क्या जाएगा? x में क्या जाएगा? 2 ही जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये 2.0 प्रिंट कर सकता था, लेकिन इसने 2 ही प्रिंट किया। x के अंदर क्या गया है? 2 ही गया है। चाहे आप फ्लोट टाइप का वेरिएबल लो, चाहे आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा लो, क्योंकि यहां से आपको डिवाइड से सिर्फ क्या मिल रहा है? इंटीजर भी मिल रहा है। अब उसको चाहे आप किसी भी टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवा लो। ये बात क्लियर है या नहीं है, यस और नो? यस सर। ओके, यस सर। दूसरा रूल देखो इसमें, अगर ऊपर वाला फ्लोट और नीचे वाला इंटीजर, या ऊपर वाला इंटीजर और नीचे वाला फ्लोट, दोनों में से कोई भी एक फ्लोट है तो रिजल्ट फ्लोट मिलेगा। ऊपर फ्लोट या नीचे इंटीजर, ऊपर इंटीजर या नीचे फ्लोट, दोनों में से कोई भी एक फ्लोट वैल्यू होने पर रिजल्ट हमेशा फ्लोट मिलेगा। अब देखते जाइए आप, मैंने इन दोनों में से एक को क्या कर दिया? फ्लोट कर दिया, 5.0 कर दिया मैंने। अब देखें आप इसका रिजल्ट, दोनों में से मैंने क्या कर दिया? एक फ्लोट कर दिया है, तो अब रिजल्ट जो है वो इंटीजर नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा? फ्लोट मिलेगा। फ्लोट का मतलब है रिजल्ट क्या आता है? 2.5, तो इस बार यहां से क्या मिलेगा?
2.5 मिलेगा और x के अंदर क्या स्टोर होगा, 2.5 ही स्टोर होगा। इस बार आप क्या देख पा रहे हो, इस बार आप देखोगे कि आपका आउटपुट इस बार 2 नहीं मिला बल्कि 2.5 मिला, क्योंकि आपने जब डिवीजन ऑपरेटर लगा रखा है 5.0 और 2 पर डिवीजन ऑपरेटर लगाया, तो दोनों में से 5.0 क्या है, फ्लोट वैल्यू है, तो इसलिए रिजल्ट क्या मिल रहा है, फ्लोट मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहां से इसको हटा दूं और डिनोमिनेटर को फ्लोट बना दूं, कंट्रोल एस, और अब मैं कंपाइल करता हूं, इस बार मैंने पहले मैंने न्यूमरेटर को फ्लोट बनाया, अब मैंने डिनोमिनेटर को फ्लोट बना दिया है। अब हम चेक करेंगे, रूल वही है कि चाहे ऊपर वाला फ्लोट हो चाहे नीचे वाला फ्लोट हो, रिजल्ट हमेशा फ्लोट मिलेगा। क्या मिल रहा है, 2.5। समझ में आई ये बात, यस और नो? यस सर। यस सर। तीनों के क्लियर है? ममता क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। तो ये तो थी हमारी छोटी छोटी बातें। देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, हमारा पर्पज सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना नहीं है, हमारा जो मेन पर्पज है वो है आपको रियल टाइम कोडिंग सिखाना, और वो रियल टाइम कोडिंग हम सभी सीख पाएंगे जब हम उसकी डीप स्टडी करेंगे, हमें छोटी छोटी बातों का नॉलेज होगा तभी हम इस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये तो था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्कशन कर सकते हैं। अब मैं एक कंप्लीट अर्थमेटिक ऑपरेटर का एक प्रोग्राम बनाऊंगा और आपसे पूछूंगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। यहां पर मैं अर्थमेटिक प्रोग्राम ऑपरेटर का एक कंप्लीट प्रोग्राम बना रहा हूं, उसके थ्रू हम समझेंगे कि आउटपुट क्या है। अब मुझे आप बताओ, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा योगेश, आप मुझे बताइए कि ये जो फर्स्ट लाइन है इसका आउटपुट क्या आएगा? 7। ओके, सेकंड का? 3। थर्ड का? 10 नहीं, 4। थर्ड का क्या आएगा? मोहित, आप मुझे बताओ सर, इस फोर्थ लाइन का आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा सर। फोर्थ, ये नहीं पूछ रहा, सॉरी सर, सॉरी, ओ इसका सर 3 आएगा। 3 आएगा, क्यों आएगा बताओ? 3 सर, बिकॉज दोनों इंटीजर्स हैं। वेरी गुड, दोनों इंटीजर है, तो जब इन दोनों इंटीजर होंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, इंटीजर। इसलिए आप जब 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन इसकी इंटीजर वैल्यू क्या है, सिर्फ 3 है। ओके, ठीक है। ममता, आप मुझे बताओ कि ये लो लास्ट बचा है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा, क्यों आएगा बताओ? हाँ, वेरी गुड, इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 7 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो
इसका जो शेषफल है, इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा? शेषफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? वन मिलेगा। ठीक है, जहां तक मुझे ये लगता है कि भाई आपके जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो क्लियर हो चुका है। अब मैं सेकंड ऑपरेटर की तरफ डिस्कशन करता हूं, और आपका जो ये जो मैं लगा रहा हूं ना, ये मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि ये सब क्या है, ये जो डबल स्लेस लगा रहा हूं ये क्या है? कमेंट है। जब आपको किसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता होता है तो सी प्लस प्लस आपको कमेंट की फैसिलिटी देता है। दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट इन सी प्लस प्लस। दिस इज वन टाइप ऑफ कमेंट विच इज कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट। अगर आप इसी कमेंट को यहां पर लगा देते हो, इसका मतलब अब ये लाइन जो नॉन रीडेबल लाइन होगी, अब आप ये लाइन जो इस प्रोग्राम में यूज नहीं होगी। इसी को भी कमेंट बना दिया, इसका मतलब अब ये भी यूज नहीं होगी। समझ गए? अगर आपने ऐसा कर दिया तो इसका मतलब हो गया कि अब ये चारों लाइनें आपके प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं है, सिर्फ इंक्लूड है, ये दो लाइनें आपके प्रोग्राम में इंक्लूड है। समझ में आई बात है? तो कमेंट अगर बात, ठीक है, तो कहने का मतलब है इस तरीके से आप कमेंट का यूज कर सकते हो। अगर आप पहले लगा दोगे, देखो आपने सेवन से पहले लगाया तो इसका मतलब सेवन आपके प्रोग्राम में रीड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने मेन स्टेटमेंट से पहले ही कमेंट लगा दिया तो इसका मतलब अब ये प्रोग्राम में नॉन रीडेबल है, इसको प्रोग्राम में नहीं समझा जाएगा, ये प्रोग्राम से क्या हो चुका है? एक्सक्लूड हो चुका है। समझ गए? ऐसे ही आपका क्या होता है? मल्टी लाइन कमेंट होता है। मल्टी लाइन कमेंट का मतलब होता है एक साथ अगर कई लाइनों पर कमेंट बनाना है तो इसके लिए स्लेस स्टार, और सपोज करो जैसे सबको कमेंट बनाना है तो स्टार स्लेस। कौन सा कमेंट है? दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। ये जो है ना, इसको तो हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, और ये होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट। अगर आपको मल्टीपल लाइनों को कमेंट करना होता है, ये क्या आपका मल्टी लाइन कमेंट है। मल्टीपल लाइनों को कमेंट करने के लिए स्लेस स्टार और स्टार स्लेस का यूज करते हैं, जबकि सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए हम डबल स्लेस का यूज करते हैं। तो ये तो होगी कमेंट के बारे में बेसिक नॉलेज। हम बात कर रहे थे अब आपका दूसरा जो डेटा टाइप है, दूसरे डेटा टाइप कौन सा है? दूसरा अर्थमेटिक ऑपरेटर तो हो गया, उसके बाद में जो डेटा टाइप नहीं ऑपरेटर, दूसरा ऑपरेटर है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, रिलेशन बताने वाला ऑपरेटर। जैसे अपने परिवार में क्या होता है, अपने जो रिलेटिव होते हैं उनके बीच में अपना रिलेशन होता है, ये बड़ा भाई है, ये छोटी सिस्टर है, ऐसे होता है ना रिलेशन। तो रिलेशनल ऑपरेटर भी क्या होता है? ऐसा ऑपरेटर जो ऑपरेंड के बीच में क्या करता है, रिलेशन को बताता है, उसे हम क्या करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। तो ऐसा ऑपरेटर जो ऑपरेंडों के बीच में, ऑपरेंड क्या होते हैं? जिन पर ऑपरेटर अप्लाई होता है। तो ऐसा ऑपरेटर जो ऑपरेंडों में रिलेशन को बताता है उसे रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। तो आप सिंपली कह सकते हो द ऑपरेटर विच एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन ऑपरेंड्स इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर जो ऑपरेंडों के बीच में क्या एस्टेब्लिश करता है, क्या स्थापित करता है, रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, उसे हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो ये रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक होता है आपका ग्रेटर देन। क्या होता है? ग्रेटर देन, जिसको हम किस सिंबल से दिखाते हैं? इस सिंबल से दिखाते हैं। ये जो बीच में जो मैंने सिंबल ले रखा है ना, ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। ऐसे ही आपका लेस देन सिंबल, ये सिंबल, ये क्या है? लेस देन है। इसी तरीके से अगर हम देखें ग्रेटर देन और इक्वल टू,
ग्रेटर देन और, दोनों के बीच में मैंने क्या लगा रखा है, और लगा रखा है, या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल, ये दो चीजें चेक करेगा कि पहला ऑपरेंड दूसरे से या तो बड़ा है या इक्वल है, दोनों में से एक बात सही होनी चाहिए। तो ये तो हो गया ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसी तरीके से लेस देन और इक्वल टू, ये दो चीजें चेक करेगा, या तो लेस देन है या फिर इक्वल टू है, दोनों में से एक, मतलब दोनों में से एक बात सही होने पर ये सही मानेगा। इसी तरीके से एक आपका हो गया नॉट इक्वल टू, एक क्या हो गया नॉट इक्वल टू, एक ये सिंपल लगेगा, वन के ऊपर दिया होता है कीबोर्ड में, वन के ऊपर दिया होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। और एक होता है आपका डबल इक्वल लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं इज इक्वल टू। तो ये इतने सारे ऑपरेटर होते हैं, कितने टाइप के ऑपरेटर हो गए, ये आपका ग्रेटर देन, ये आपका लेस देन, ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आपका लेस देन और इक्वल टू, ये आपका नॉट इक्वल टू, और लास्ट जो है वो है इज इक्वल टू। आप सिंपली यहां पर ये कह सकते हो, वी कैन कैटेगराइज द रिलेशनल ऑपरेटर इन सिक्स कैटेगरी, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड इज इक्वल टू। ये आपकी सिक्स कैटेगरी हो गई, किसकी, रिलेशनल ऑपरेटर की हो गई। अब रिलेशनल ऑपरेटर एक्चुअल में रिजल्ट में क्या देता है, आप यहां पर ये कहोगे कि ये जो ऑपरेटर है, देखिए जैसे सपोज करो मैं आपको ये कहूं कि थ्री ग्रेटर देन टू, मैंने दो ऑपरेंड लिए, मैंने दो ऑपरेंड लिए और उन दोनों ऑपरेंड में क्या लगा, ग्रेटर देन लगा दिया। जैसे मैंने लिखा एक ऑपरेंड लिया थ्री और एक ऑपरेंड टू लिया, और थ्री और टू के बीच में मैंने क्या लगा दिया, थ्री और टू के बीच में मैंने क्या लगा दिया, ग्रेटर लगा दिया, ग्रेटर सिंबल। तो अब यहां पर इन दोनों के बीच में ये एक रिलेशन बता रहा है कि क्या थ्री बड़ा है टू से, ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा, क्या थ्री ग्रेटर है टू से। अब इसमें दो बातें होंगी, या तो हाँ या ना। तो आप मुझे बताइए कि क्या थ्री ग्रेटर है टू से, यस और नो। यस सर, यस सर। थ्री जो है वो टू से क्या है, ग्रेटर है। अब हाँ या यस और नो के लिए तो आप ये कहोगे कि सी प्लस प्लस के अंदर, अब दो बातें होगी, या तो ये बात ट्रू है, ट्रू का मतलब है सही है, या फिर ये बात क्या होगी, फॉल्स होगी, फॉल्स का मतलब हो गया गलत है। तो थ्री ग्रेटर देन टू क्या है, ये बात ट्रू है, और ट्रू के लिए आप यहां पर ये कहोगे कि सी प्लस प्लस के अंदर ट्रू के लिए जो है, ट्रू के लिए एक इंटीजर वैल्यू वन का यूज होगा, और सी प्लस प्लस के अंदर फॉल्स के लिए इंटीजर वैल्यू जीरो का यूज होगा। सी प्लस प्लस के अंदर ट्रू का मतलब क्या है, वन, और फॉल्स का मतलब क्या है, जीरो। अब अगर मैं इसकी बात करूं और मैं यहां पर सपोज करो ये प्रिंट करवाता हूं, ये प्रिंट करवाता हूं, मैंने कहा थ्री ग्रेटर देन टू, ये मैं प्रिंट करवाता हूं, तो आप देखोगे कि ये प्रिंट करवाने पर मुझे क्या प्रिंट होगा कि थ्री ग्रेटर देन टू। अब ये बात क्या है, ट्रू है, तो ट्रू का मतलब क्या प्रिंट होगा, इंटीजर वैल्यू वन प्रिंट होगी। अगर मैं यहां पर ये लिख देता वन ग्रेटर देन टू, अगर मैं यहां पर ये लिख देता वन ग्रेटर देन टू, इसका मतलब है वन जो है वो ग्रेटर है टू से, तो ये बात क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है तो क्या प्रिंट होगा, जीरो प्रिंट होगा। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर लिख देता हूं वन लेस देन टू, इस बार ये बात क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी कि वन जो है वो टू से क्या है, लेस देन है, तो इस बार क्या प्रिंट होगा, वन प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनकी जो डिटेल जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी वीडियो को लाइक करें, जैसे हम आपके आपके ग्रुप में डालते हैं, ठीक है। तब तक के लिए वेट करें आप।